गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन इन द क्लास ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो जैसे कि आपको पता है कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इस क्लास में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं जो कि जनरली uh, आप लोग पढ़ने से बचते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि और जो टॉपिक्स हैं अदर दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो इस वजह से थोड़ा सा उनको समय दे पाना मुश्किल हो जाता है ओके खैर कोशिश तो यही रहेगी कि हम यहां पर इस तरह के टॉपिक्स को ही उठाएं ठीक है और यह भी हम कोशिश करेंगे कि लगभग वो सभी टॉपिक जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को वो आपको देखने में आए आपको मतलब मिल जाए वो एक ही जगह पर तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि इससे सारे हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे क्योंकि जनरली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो क्लास के साथ साथ आप पढ़ते ही रहते हैं समस्या आती है सबसे ज्यादा कहां पर बच्चों सबसे ज्यादा समस्या आती है तब जब हम बात करते हैं कि भैया वो टॉपिक जिनकी आप जनरली किसी भी तरह की कोई भी स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है शेयर भी कर दें लाइक भी कर दें और जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए हमारा ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ठीक है और यहां से क्वेश्चन आते हैं या कहूं आने लगे हैं पहले यहां से क्वेश्चन कम आया करते थे लेकिन अब क्वेश्चन काफी आने लगे हैं और कुछ अजीब अलग तरह के क्वेश्चन भी क्योंकि जर्नली जो पार्ट्स ऑफ लेथ का टॉपिक है ये मोस्टली हम कवर नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान उसका रीजन है बहुत बड़ा कि पहले कभी कंस्ट्रक्शन के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए जितना रिसेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो हम इसे दो क्लासेस में कंप्लीट करेंगे लेथ के पार्ट को आज की पहली क्लास है तो सभी बच्चे एक बार जरा लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा ताकि हम लोग जो हैं आगे बढ़ सके फिर देख सकें ठीक है चलिए शुरू करते हैं ओके तो गुड मॉर्निंग हाँ आई एम फाइन बाय वे आई एम फाइन और अच्छा लगा आप लोगों के साथ दोबारा जुड़कर तो चलिए बच्चों दिस इज द लेथ मशीन अब हम लेथ मशीन के बारे में बात कर रहे हैं ये आपकी जर्नल लेथ मशीन का डायग्राम है अच्छा इस क्लास के जो नोट्स हैं वो इन फॉर्म ऑफ पीपीटी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे ठीक है ताकि आप लोग इनको एक बार रिवाइज भी जरूर कर लें तो ये आपकी लेथ है ठीक है बहुत ही जो है कॉमन डायग्राम है आपको पता ही है थोड़ा सा डिटेल डायग्राम है ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ सकें तो पूरी ये लेथ है लेथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत पूछी जाती है कॉमनली वो है सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं वो है बच्चों बेड बेड तो दो बेड होते हैं याद रखना पहला बेड ये है और दूसरा बेड है। समझ जाइए पहला बेड ये है दूसरा बेड जो हम घरों में जिस पर हम लेटते हैं एक्चुअली इट द सपोर्ट।, सपोर्ट तो कास्ट आयरन के बने होते हैं कास्ट आयरन के, कास के ये बने होते हैं? इसके पीछे अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बच्चों हम डैम्पिंग प्रॉपर्टी डैम्पिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो मटेरियल जो किसी चीज को एब्जॉर्ब करता उसे है उसे डैम्प कहते हैं ठीक है तो कास्ट आयरन की जो डैम्पिंग प्रॉपर्टी है वो क्या करती है उसकी वजह से क्या होता है कि मशीन जब चलती है मशीन रन होती है तो इसमें बहुत से वाइब्रेशन कंपन नॉइज ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं उन सबको बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है कास्ट आयरन बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों अब ये कास्ट आयरन जो होता है इसकी यही इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी मशीन टूल है चाहे वो लेथ है चाहे वो ड्रिलिंग मशीन है चाहे वो मिलिंग मशीन है चाहे वो शेपर है प्लेनर है जितने ही मशीन शॉप में आपको मशीन्स मिलेंगी उनके बेस आपको इन्हीं से मिलकर इसी से बने हुए दिखाई देंगे याद रखना इन बेड की कास्टिंग की जाती है कौन से प्रोसेस से बनाए जाते हैं बच्चों ये कास्टिंग प्रोसेस से ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो लेथ के बेड होते हैं वो कास्टिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं बहुत ही बल्की होता है हैवी होता है इस वजह से कास्टिंग की जाती है तो बेड जो है दो होते हैं एक लेफ्ट और एक राइट लेफ्ट बेड थोड़ा बड़ा होता है जबकि राइट बेड थोड़ा छोटा होता है बड़ा होने की वजह क्या है बच्चों जितनी भी पावर ड्राइव है इस लेथ की यानी कि वो सारी मैकेनिज्म जिनकी वजह से लेथ चलती है जिनकी वजह से लेस चलती है वो सारी लेफ्ट हैंड साइड पर है ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना ये पावर ड्राइव में आता है ये पूरा एरिया पावर ड्राइव का है बच्चों तो याद रखना कि ये पावर ड्राइव है और इस पावर ड्राइव की वजह से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन इसी साइड होंगे तो यहां पे हमें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी यहां पर कोई मूविंग पार्ट नहीं है एक्सेप्ट वर्कपीस इस वाले पोर्शन पे राइट right पोर्शन पे वर्कपीस सिर्फ वर्कपीस रोटेट करेगा तो यहां कम वाइब्रेशन होता है इसलिए छोटा बेड बनाया जाता है और ये बड़ा छोटा सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया जाता कि यहां यहां ज्यादा वाइब्रेशन होंगे कम वाइब्रेशन होंगे ये इसलिए बनाया जाता है है प्यारे बच्चों ताकि ताकि जो है कि इस पावर ड्राइव को सपोर्ट भी मिले और इकोनॉमिकल हो इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा इधर भी इतना ही बड़ा बनाने की क्या जरूरत है नहीं है ना तो मटेरियल का बचाना भी एक इकोनॉमिक इकोनॉमिकेशन है मशीनिंग के लिए बहुत फायदेमंद रहता है ठीक है ओके ओके ठीक है वी शेप और एस शेप का होता है क्या बेटा क्या वी शेप ठीक है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चे यहां तक ये यह चीजें आपके समझ में आ गई ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ये आते हैं कंटिन्यूसली बार बार पढ़ते रहा करें आप पढ़ते रहा करें ठीक है कि क्या हो, क्या इसका रीजन है क्या वजह है ठीक है ओके ठीक है अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऊपर आते हैं यहां पर आप देख रहे हैं ट्रे है तो इस ट्रे का कुछ काम नहीं है बच्चों मेनली काम क्या है कि कुछ ऑयल है एक्सेस ऑयल इसमें गिर जाता है या फिर जो चिप्स बनती है वो इसके अंदर गिर जाती है ठीक है इसके अंदर आप अपने टूल्स भी रख सकते हैं तो ट्रे है सिंपली और ट्रे चीजों को रखने के काम में आती है तो यहां पर बेड और ट्रे ये दो चीजें हो गई हैं बच्चों ध्यान से देखिएगा करेक्ट ओके नाउ नाउ अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है हेड स्टॉक अब हेड स्टॉक कहां होता है एक क्वेश्चन तो यही आया है बार बार कि हेड स्टॉक जो होता है वो मशीन के किस साइड में होता है राइट right में मिडिल में लेफ्ट में या फिर कहां पर होता है तो आपको बताना है हेड स्टॉक जो है बच्चों ये पूरा पोर्शन ये पूरा पोर्शन जो है यहां से ये देखिए ध्यान से ये बेसिकली हेड स्टॉक कहलाता है ये और हेड स्टॉक मशीन के हमेशा लेफ्ट में होगा यह क्वेश्चन आपको यकीन नहीं होगा कई बार आ चुका है कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन तो इसे याद रखिएगा हेड स्टॉक ठीक है अब हेड स्टॉक में होता क्या क्या है हम देख रहे हैं यहां पर हेड स्टॉक में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका यह पूरा जो पोर्शन है यह ये, मेनली ये इसके अंदर या तो एक बेल्ट पुली सिस्टम होता है या फिर गियर मैकेनिज्म होती है ठीक है वो कैसे होती है क्या होती है आइए देखते हैं उस बारे में बात करते हैं देखिए हेड स्टॉक जो है बच्चों वो लेफ्ट साइड पर होगा ठीक है लेफ्ट साइड पर पहली चीज जो पूछी जाती है हेड स्टॉक में बच्चों याद रखना या तो स्टेप्ड कौन पुलिस सिस्टम होगा कैसा बच्चों स्टेप्ड कौन पुलिस सिस्टम में भी दिखाऊंगा आपको डोंट वरी एक एक चीज देखेंगे स्टेप्ड कौन पुलिस सिस्टम होगा जो कि लेथ के स्पिंडल को रन करेगा लेट के स्पिंडल को रन करेगा वह आप कहेंगे सर स्पिंडल कहां है ध्यान से देखेगा मैं ये पूरा साफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को मैं पूरा दिखा सकूं ये, ये एक बार फिर से हाँ ध्यान से देखेगा ये वाला पोर्शन जो है ये ये यहां पर एक शाफ्ट नुमा एक चीज होती है जैसे एक शाफ्ट होता है इसी शाफ्ट को हम बच्चों स्पिंडल कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों इसी को हम स्पिंडल कहते हैं इस स्पिंडल से लाइव सेंटर ऑफ लेथ जुड़ा रहता है क्या बताया मैंने इस स्पिंडल से लाइव सेंटर ऑफ लेथ लाइव सेंटर मतलब वो सेंटर जो रोटेट करता है यानी कि चक ये जो चक होता है ये इस स्पिंडल से जुड़ा रहता है तो इस स्पिंडल को रन कराने के लिए प्यारे बच्चों जो है हम स्टेप्ड कोन पुलिस सिस्टम का यूज कर सकते हैं पहला पहला जो है ठीक है अब बेल्ट जो होती है वो चार स्टेज फोर डिफरेंट स्टेज की होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेथ में लेथ मशीन में जो पावर ड्राइव है प्यारे बच्चों वो वो आपकी वो आपकी कितनी स्टेजेस का होता है तो आपको बताना है फोर स्टेजेस कितने बच्चों फोर स्टेजेस की स्टेप्ड कौन पुली होती है कौन सी स्टेप्ड कोन पुली होती है ठीक है और इन चार स्टेज का मतलब होता है कि चार डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आपको मिल सकती है क्या बताया मैंने चार डिफरेंट डिफरेंट स्पीड मिल सकती है ठीक है अभी देखेंगे कैसे ठीक है ओके दूसरा आपको यह याद रखना है बच्चों कि यह जो है आपका हेड स्टॉक के अंदर होती है यानी कि यह जो आप देख रहे हैं मकेनिक इसका एक यहां पर ढक्कन होता है इस तरीके से इस ढक्कन को जब आप खोलते हैं तो आपको यहां पर मैकेनिज्म मिलती है यहां पर होती है और बच्चों इस बेड के अंदर यहां पर भी एक ढक्कन होता है इसे भी जब आप उठाकर देखते हैं तो यहां पर भी कौन पुली आपको देखने को मिलती है तो कितनी स्टेज की आप देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीजें कैसे निकालेंगे पहली इंपॉर्टेंट चीज लेफ्ट साइड पर होता है हेड स्टॉक दूसरा स्टेप्ड कोन पुली सिस्टम होता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तीसरा किससे कनेक्टेड रहता है स्पिंडल ऑफ लेथ से कनेक्टेड रहता है कितनी स्टेजेस में होता है चार स्टेजेस में होता है किसमें चार स्टेज में तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकलकर बाहर आए ओके ठीक okay? है दूसरी चीज अब आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं कि पुली होती क्या है देखिए जो मैंने आपको बताया लेफ्ट बेड लेफ्ट बेड कौन सा हुआ बच्चों लेथ का ये वाला इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाला पुली सिस्टम लगा है ध्यान से देखना ये वाला यानी कि लेफ्ट बेड के अंदर एक मोटर रखी होगी और उस मोटर से पावर को स्पिंडल तक पहुंचाने में स्पिंडल तक पहुंचाने में हम बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं फिर से सुनिए फिर से सुनिए जो लेथ का लेफ्ट बेड है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर लेफ्ट बेड होता है लेथ का इसका जब आप ढक्कन खोलेंगे यहां पर एक मोटर रखी होगी दस किलो की पंद्रह किलो की पच्चीस किलो की अब वो जब रोड उसे आप स्विच ऑन करेंगे लेथ का तो वो मोटर रन होगी अब उस मोटर से आरपीएम को स्पिंडल तक यानी कि यहां तक पहुंचाने में ये पूरा एक सिस्टम लगा रहता है ये पूरा सिस्टम लगा रहता है ठीक है पहली चीज तो वी बेल्ट यूज करते हैं यहां पर नोट कर लीजिए वी बेल्ट आप यूज करेंगे यहां पर हा वी बेल्ट आप यहां पर यूज करेंगे वी बेल्ट जो है ये यूज होती है जर्नली ठीक है वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके का होता है यह आपकी वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है करेक्ट यानी कि बेल्ट कुछ ऐसे आगे तक होगी ऐसे ये वी बेल्ट है बच्चों अच्छा वी बेल्ट यूज करें अब स्टेजेस देखते हैं देखिए चार स्टेज हैं वन टू थ्री फोर और मैंने बताया स्टेजेस का मतलब क्या है बच्चों स्टेजेस का मतलब है स्पीड डिफरेंट स्पीड डिफरेंट स्पीड, दिफ्रेंट स्पीड� तो वन टू थ्री फोर ये चार डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि हमें यहां पर मिलेंगे अब नोटिस कीजिए यहां पर सबसे छोटा कोन है तो उसके सामने सबसे बड़ा कौन है ये जरूर नोट कर लीजिएगा यहां पर सबसे छोटा कौन है यहां सबसे बड़ा कौन है उसके बाद स्पिंडल शाफ्ट ये है ध्यान से देखना स्पिंडल शाफ्ट है और यहां पर चक लगा होगा चक तो रोटेट इसे करना है बच्चों चक लगाओ तो आप नोटिस कर रहे हैं ए एच एक कंबिनेशन ऑफ स्पीड है बी जी एक कंबिनेशन ऑफ स्पीड है सी एफ एक कंबिनेशन ऑफ स्पीड है और डीई एक कंबिनेशन ऑफ स्पीड है याद रखना इसे कहते हैं ड्रीवन शाफ्ट जहां पर चक लगा रहता है प्यारे बच्चों उसे कहते हैं ड्रिवन शाफ्ट नोटिस कीजिए आपको क्या रोटेट कराना है आप क्या किसे रोटेट कराना चाहते हैं वो ड्रीवन शाफ्ट पे जुड़ेगा और ड्राइवर शाफ्ट आपका यहां पर होगा ड्राइवर शाफ्ट ये आपका ड्राइवर शाफ्ट है बच्चों यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ड्राइवर शाफ्ट तो मोटर जिस शाफ्ट को रोटेट कराएगी वो तो होगा ड्राइवर और इस ड्राइवर ये ड्राइवर शाफ्ट जिसको रोटेट कराएगा वो होगा आपका ड्रीमन शाफ्ट याद रखे ठीक है ड्रीमन शाफ्ट ओके okay. अब याद रखना बच्चों ड्रिवन शाफ्ट की मैक्सिमम स्पीड तब मिलेगी जब बेल्ट ए एच स्टेज में होगी तो यानी कि अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड मुझे तब मिलेगी जब मेरा जो कंबिनेशन स्टेज है वो ए एच है ए और एच है याद रखिएगा दिस इज ए एंड दिस इज एच याद रखिएगा इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा ड्रिवन शाफ्ट पे जब कोन का साइज सबसे छोटा होगा और ड्राइवर शाफ्ट पे कोन का साइज सबसे बड़ा होगा तब आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी लेथ की याद रखिएगा ओके बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष बिल्कुल फिर से सुन लीजिए जब ए एच कंबिनेशन पर बेल्ट होगी तब बच्चों तब प्यारे बच्चों सॉरी <coughs> <coughs> तब याद रखना स्पीड मैक्सिमम होगी जबकि मिनिमम स्पीड कहां देखने को मिलेगी आपको मिनिमम स्पीड जो है प्यारे बच्चों वो मिलेगी आपको देखने में डी ई ये बच्चों डी है और ये वाला ई e है याद रखना ये ई e है जब डी ई स्टेज होगी याद रखिए डी स्टेज और इन तो इसका ये मतलब है कि लेथ में कितनी वेलोसिटी आप अचीव कर सकते हैं चार जर्नली जर्नली फोर स्पीड आपको लेथ में ट्रांसमिशन मिलता है फोर स्पीड ट्रांसमिशन इसे कहते हैं याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए यानी कि चार अलग अलग तरह की वेलोसिटी लेथ में मिल सकती है वी बेल्ट क्यों यूज करते हैं उसमें पावर लॉस ज्यादा होता है गियर या चेन ड्राइव बिल्कुल कर सकते हैं रोहित ऐसा जरूरी नहीं मैंने आपको बताया ये एक मेथड है पुराने समय की जितनी भी लेथ है उनमें यही मेथड यूज किया गया है अब जो नई लेथ आ रही है उनमें गियर मैकेनिज्म यूज हो रहा है फॉर पावर ट्रांसमिशन क्योंकि गियर में सबसे कम लॉस होता है पावर का आपको भी पता है ठीक है ओके तो अब ये तो बात है ये तो आपको समझना पड़ेगा कि मोटर से मोटर से ड्राइवर शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट ड्राइव का ही यूज करेंगे रीजन क्या है इधर देखिए देखिए गियर ड्राइव वहां पे यूज होती है जब ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के बीच डिस्टेंस बहुत कम हो बहुत कम हो लेकिन अगर ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के बीच डिस्टेंस ज्यादा है जैसे यहां देखिए मोटर यहां है मोटर आपकी यहां है बच्चों अब यहां से पावर यहां पहुंचनी है बच्चों इस शाफ्ट पर इस स्पिंडल पर तब अब ये डिस्टेंस काफी होता है तो यहां पर गियर यूज करना मशीन को भारी बनाना है क्योंकि बहुत सारे गियर की यूज पड़ेगी और महंगा भी होता चला जाएगा तो हम बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं ओके okay? ठीक <laughs> है ओके okay, तो कहां मिनिमम मिली और कहा मैक्सिमम मिली आपको यह समझ में आ गया होगा सिंपल सी बात है ठीक है कितनी अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं कितनी स्पीड होती है जर्नली आप बताएंगे चार स्पीड ट्रांस फोर स्पीड ट्रांसमिशन होता है ठीक है फोर स्पीड ट्रांसमिशन होता है मैक्सिमम स्पीड कहां मिलेगी बच्चों ए AH एच या वो आपको डायग्राम देगा उसमें नंबरिंग करके देगा और कहेगा कहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी तो याद रखना है जब ड्रिवन शाफ्ट पे कोन का साइज सबसे छोटा होगा तभी मैक्सिमम स्पीड मिल पाएगी है ना तभी मैक्सिमम स्पीड मिल पाएगी दूसरी चीज आपको यह याद रखनी है बच्चों कि यह भी वी बेल्ट होती है और यह भी आपकी वी बेल्ट होती है जनरली फ्लैट भी यूज कर सकते हैं लेकिन फ्लैट बहुत ज्यादा स्लिप होती है बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है इस वजह से हम जो है वी बेल्ट को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं ठीक है वी बेल्ट में पावर लॉस फ्लैट बेल्ट के कंपेयर में थोड़ा कम होता है बच्चों याद रखना ओके हां देखो उत्कर्ष ने भी एक डेटा भी दिया है हमें कि कब हम यूज करते हैं गियर ड्राइव ठीक है ओके तो ये आपके समझ में आ गया यहां से काफी क्वेश्चन बन गए काफी क्वेश्चन बन गए ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर एक मैंने आपको इमेज दिखाई है कि कैसे क्या होता है ये वो लेथ है जो कि पहले के समय में यूज होती थी ठीक है अब तो खैर ऑटोमेटिक लेथ वगैरह आ गए लेकिन फिर भी यहां से एक आइडिया मिल रहा है हमें आप नोटिस कर रहे होंगे यहां से एक आइडिया ये मिल रहा है कि ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा नोटिस कीजिए यह देखिए ये आपकी बेल्ट ड्राइव है ये पूरा कोन है और उसमें चार स्पीड हैं पहला ये दूसरा ये तीसरा ये और चौथा ये चार फोर स्पीड रिडक्शन देखने को मिलता है याद रखिएगा ठीक है चलिए खैर ये तो इमेज हो गई है समझने के लिए आगे बढ़ते हैं अब हम बैट ड्राइव की जगह गियर बॉक्स में गियर भी यूज कर सकते हैं बच्चों क्या यूज कर सकते हैं बच्चों गियर भी यूज करते हैं गियर गियर भी यूज करते हैं बच्चों याद रखिएगा ठीक है अच्छा गियर बॉक्स में क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ गियर होता है जो क्या करता है जो कन्वर्ट करता है इनपुट फ्रॉम ए हाई स्पीड पावर सोर्स हाई स्पीड पावर सोर्स ये हाई स्पीड पावर सोर्स अगर कोई पूछे क्या होता है लेथ में तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर ठीक टू लो स्पीड टू लो स्पीड फिर से सुनिए जब आपको हाई स्पीड से लो स्पीड में जाना है तो आपको चाहिए कि स्पीड रिडक्शन मैकेनिज्म। फिर से सुनिए हाई स्पीड को लो स्पीड में कन्वर्ट करना है तो आपको चाहिए एक स्पीड रिडक्शन मैकेनिज्म, जो कि आप बेल्ट ड्राइव या गियर ड्राइव की मदद से अचीव कर सकते हैं ओके तो जैसे लिफ्ट है लिफ्ट आप नहीं चाहते मोटर की स्पीड से ऊपर उठे या नीचे आए आप चाहते हैं लिफ्ट थोड़ा धीरे धीरे चले थोड़ा धीरे धीरे चले तो लिफ्ट क्रेन या क्रशिंग मशीन जो होती है इसमें क्या होता है हाई स्पीड से लो स्पीड पे आना होता है सिंगल स्टेज में सिंगल स्टेज में ओके okay? या फिर या फिर आपको कई स्पीड मिले मतलब हाई स्पीड पावर से आपको कई स्पीड पावर मिले ठीक है मैनी ऑफ स्पीड जैसे कि लेथ में अलग अलग स्पीड पे काम करना होता है मिलिंग मशीन में अलग अलग स्पीड पे काम करना होता है ऑटोमोबाइल्स जो कार होती हैं उसमें भी आपको हर गियर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड मिलती है ठीक है ओके okay, मिलती है अब वो गियर बॉक्स जो कि हाई स्पीड इनपुट को नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड आउटपुट में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं उसे कहते हैं बच्चों मल्टाई मल्टी स्पीड गियर बॉक्स क्या कहते हैं बच्चों मल्टी स्पीड गियर बॉक्स जैसे कि आपका कार का अब आप सिंपल कार का गियर बॉक्स देखिए आप पहला गियर लगाते हैं दूसरा गियर लगाते हैं तो स्पीड उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है ना ऐसी लेथ में होता है 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 चार स्टेज यानी कि फोर गियर मैकेनिज्म होती है। ठीक है? पहले गियर दूसरा गियर तीसरा गियर तो स्पीड आपकी घटती मतलब घट या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी इसी तरीके से लेथ में भी होता है तो जब कोई मैकेनिज्म गियर बॉक्स क्या करता है वो गियर बॉक्स जो कि हाई स्पीड इनपुट को हाई स्पीड इनपुट को नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड आउटपुट में कन्वर्ट करता है तो उसे मल्टी स्पीड गियर बॉक्स कहते हैं और मल्टी स्पीड गियर बॉक्स जब मल्टी स्पीड चाहिए आपको तो याद रखना मोर देन टू गियर्स तो चाहिए ही चाहिए दो गियर होंगे और जितने गियर होंगे बच्चों याद रखना टू गियर्स एंड शाफ्ट्स उतने शाफ्ट भी हो सकते हैं ठीक है डिफरेंट स्टेज में अब आप कहेंगे कि सर यह स्टेज पता कैसे करते हैं तो याद रखना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में, में होते हैं याद रखना उनका स्पीड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है बच्चों जैसे ए उसके बाद ए आर उसके बाद ए आर स्क्वायर उसके बाद ए आर क्यूब इस श्रेणी को फॉलो करते हुए गियर चूज किए जाते हैं जहां आर जो होता है स्मॉल इसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं और ये कैसे फाइंड होता है इस वाली टर्म को इससे पहली वाली टर्म से जब डिवाइड करते हैं ए आर अपॉन ए ए से ए कट जाएगा तो कॉमन रेशियो आर बचेगा इसी तरीके से जब आप ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करोगे तो भी आर आएगा तो इसे कहते हैं कॉमन रेशो तो इसी सीरीज को फॉलो करते हुए गियर की स्पीड चूज की जाती है नंबर ऑफ टीथ उनका डायमीटर आप कुछ भी चूज करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है कि जो लेथ का गियर बॉक्स होता है उसमें जो गियर होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी सीरीज बिल्कुल सही ठीक है हाँ तो अब स्पीड रिडक्शन जो होगी ना वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगी याद रखना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगी इसके ऊपर ना कभी आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे जो लेथ के गियर होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है एक ऐसी करा दूंगा आपके नॉलेज के लिए ताकि आपको पता रहे आपको पता रहे ठीक है चलिए तो ये देखिए यहां पर ये इस तरीके से स्टेजेस मिल रही हैं ये स्टेजेस मिल रही हैं बात समझ में आ गई ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज का गियर बॉक्स है अब इस हो, जरूरी नहीं, मैंने नहीं, चार से ज्यादा भी हो सकती यहां कहीं है यहां कई हैं ठीक है ओके नाउ अब जो आपकी लेथ होती है प्यारे बच्चों जो आपकी लेथ होती है अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं यहां पर लेथ के यहां पर इस पोर्शन में इस पोर्शन में कुछ और गियर्स पाए जाते हैं कुछ और गियर्स पाए जाते हैं कौन कौन से गियर पाए जाते हैं ये देखिए ये वाला डायग्राम देखिए। सबसे पहला ये देखिए से सबसे ऊपर जो गियर होता है ये आपको दिख नहीं रहा होगा मैं इसका नाम लिख देता हूं हाँ हाँ मैं इसका नाम लिख देता हूं ये सबसे पहला जो गियर है ये वाला ये वाला किससे लिखू ये वाला जो गियर है बच्चों इसे कहते हैं स्पिंडल गियर क्या कहते हैं बच्चों इसे स्पिंडल गियर स्पिंडल गियर यानी कि ये वो गियर है जो जुड़ा रहता है स्पिंडल के साथ ये वो गियर है जो स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है तो सबसे टॉप गियर जो होता है बच्चों से स्पिंडल गियर कहता है अब इस स्पिंडल गियर के नीचे तीन गियर होते हैं बच्चों आपके टम्बल गियर्स कौन से होते हैं बच्चों टम्बल गियर्स ध्यान से देखेगा ये वाले गियर्स ये वाले गियर्स टम्बल गियर्स ये वाले ये 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 बेटा तीन होते हैं दो ही दिखाई देते हैं इस व्यू में लेकिन ये तीन होते हैं याद रखना चार भी होते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं उसके नीचे ये यहां पर स्टड गियर होता है स्टड गियर और यहां पर एक आइडलर गियर होता है बच्चों आइडलर गियर अभी मैं बताऊंगा इन सबके क्या क्या काम है क्या नहीं और यहां पर ये एक ब्रैकेट है या क्लैंप है बच्चों ये वाला ये ब्रैकेट जो है ये चेंजिंग के दौरान काम आता है जब आपको गियर चेंज करना होता है तो आप इसे खोल के चेंज करते हैं ठीक है अब कौन सा गियर स्पिंडल गियर के साथ कनेक्ट होगा कौन सा टम्बलर गियर स्पिंडल गियर के साथ कनेक्ट होगा उसके लिए यहां पर एक ये एंगेजमेंट लीवर होता है जिसे हम ऊपर नीचे ऐसे कर देते हैं बस उससे आपका एंगेजमेंट हो जाता है ठीक है तो एक्चुअली यहां पर आप देख रहे हैं इस कितने तरह के गियर हो गए पहला गियर हो गया बच्चों स्पिंडल गियर स्पिंडल गियर स्पिंडल गियर क्या करता है बच्चों स्पिंडल शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है और स्पिंडल शाफ्ट आपका चक से या लाइव सेंटर से कनेक्ट रहता है ऐसे आपको याद रखना है दूसरे जो गियर है बच्चों वो है टम्बल गियर टम्बल या टम्बलर गियर टंबलर गियर जो होते हैं बच्चों वो शाफ्ट की रोटेशन को चेंज करने के काम में आते हैं शाफ्ट की जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज होगी यानी कि स्पिंडल की जो आपकी रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है इस चीज को जो है टम्बलर गियर कंट्रोल करता है बच्चों तीसरा जो गियर है बच्चों वह है स्टड गियर स्टड गियर स्टड गियर जो है बच्चों यही डिसाइड करता है कि कौन सा टम्बलर गियर कनेक्ट होगा आपका स्पिंडल गियर के साथ ठीक है स्टड गियर अभी देखेंगे इस चीज को भी हम देखेंगे उसके बाद चौथा जो गियर है बच्चों वो है आपका आइडलर गियर आइडलर गियर क्या करता है बच्चों बस इसका काम इतना होता है या तो ये आउटपुट शाफ्ट की रोटेशन को चेंज करता है या फिर क्या करता है स्पेस इन बिटवीन गेयर को फुल करता है बस और कोई काम नहीं होता पावर पर या फिर वेलोसिटी रेशियो पर इस गियर का कोई फर्क नहीं पड़ता यह याद रखना तो यह आइडलर गियर हो गया आपका और फाइनल जो गियर होता है बच्चों आपका फाइनल गियर जो होता है वो होता है आपका ड्राइवर गियर, ड्राइवर गियर और ड्राइवर गियर होता है बच्चों आपका यहां पर ये यह वाला ये वाला ड्राइवर गियर, ठीक है और इसी ड्राइवर गियर को से कनेक्ट रहता है इसी से क्या कनेक्ट रहता है बच्चों आपको याद रखना स्क्रू थ्रेड स्क्रू थ्रेड ठीक है स्क्रू थ्रेड जो होती है बच्चों आपकी वो इसी से कनेक्ट रहती है आपको याद रखना समझ में आ गई बात बच्चों ठीक है सर मॉडर्न लेथ ओल्ड लेथ से कैसे डिफरेंट है बिकॉज बेल्ट तो मॉडर्न में भी यूज होता होगा नहीं ये इनके बीच डिफरेंस नहीं है बेटा मॉडर्न लेथ और जो आपकी न्यू लेथ है न्यू टाइप ऑफ लेथ है ये इनके बीच डिफरेंस नहीं है कि आप बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हैं या गियर ड्राइव यूज कर रहे हैं ये डिफरेंस नहीं है ये डिपेंड करता है मशीन की कॉम्पेटिबिलिटी कितनी है आपको मैं बताऊं अब एक बहुत छोटी सी लेथ आती है सीएनसी लेथ जो कि आपका कन्वेंशनल लेथ से ज्यादा हैवी ड्यूटी वर्क करती है तो एक्चुअली साइज को कम बड़ा करने के लिए बेल्ट ड्राइव या गियर ड्राइव का यूज किया जाता है दैट्स इट ठीक है पावर ट्रांसमिशन है बेटा ना तो आप गियर ड्राइव को पूरी तरह इग्नोर कर सकते हो और ना ही आप बेल्ट ड्राइव को कंबिनेशन ऑफ दीज मैके यूज होता है जब पावर ट्रांसमिट करनी होती है ठीक है तो कितने गेयर हो गए बच्चों याद रखना वन टू थ्री ऐसे याद रखना कितने नंबर ऑफ गेयर है फोर फाइव ये पांच टाइप के गेयर पाए जाते हैं एट द एंड ऑफ लेथ कहां पर पाए जाते हैं बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कहां पर पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं यहां पर यहां पर पाए जाते हैं। प्लीज इस बात को याद रखिएगा पांच टाइप के गेयर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टम्बलर गेयर के बारे में ठीक है टम्बलर गेयर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं एक सेकेंड ये जूम आउट कैसे होगा थोड़ा सा आशीष एक सेकंड बच्चों कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर का तो इसे थोड़ा सा ज़ूम आउट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे एक सेकंड जरा हाँ बस बस हम्म ठीक है ठीक है वेरी गुड बस 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 चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि टम्लर गे क्या होता है ध्यान से देखिएगा टम्बलर गे है। ठीक है आ, थोड़ा सा भी जरा फोकस कर देते हैं सर क्या सीएनसी मशीन लेथ अभी और होगा देखो ठीक है ठीक है क्या क्वेश्चन पूछ क्या सीएनसी मशीन मशीन लेथ को रिप्लेस कर देगी पूरी तरह हां बच्चे कर देगी नहीं तो कल कर देगी सीएनसी ले सिर्फ इसलिए कम बिक रही है क्योंकि क्या प्रॉब्लम है वो महंगी बहुत है दैट्स इट और उसका प्रोग्रामर चाहिए आपको एक प्रोग्रामर भी आपको चाहिए सर स्ट का फंक्शन हाँ अभी बताऊंगा पीयूष डोंट वरी तो टम्बलर होती है बच्चों ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू लीड स्क्रू की जो डायरेक्शन होती है उसे चेंज करता है एंड फीड रॉड फीड रॉड दो चीजें एक तो बच्चों लीड स्क्रू अभी आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है लीड स्क्रू और एक बच्चों आपकी क्या फीड रॉड इन दोनों की या इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आता है क्या क्या, क्या बच्चों टमलर टम्बलर गियर अब कैसे करता है अब ध्यान से सुनना टम्बलर गियर जो है वो इंगेज होता है किसके साथ बच्चों फिक्स्ड गियर के साथ ठीक है तो टम्बलर गियर जो होता है एक्चुअली ये कैरिज कैन बी मूव्ड टम्बलर गियर की मदद से क्या होता है जब टम्बलर गियर इंगेज हो जाते हैं तो जो कैरिज होते हैं वो ऑटोमेटिकली मूव हो सकता है टेल स्टॉक एंड से हेड स्टॉक एंड की तरफ अगर टम्लर गियर हम कब? जो है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक यही मैकेनिज्म नहीं है को को मूव मूव करने करने की करने की एक और मैकेनिज्म है लेकिन हम टम्बलर टम्लर की मदद से भी टेल सॉरी को मूव कर सकते हैं ऑटोमेटिकली टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ कर सकते हैं ठीक है तो देखिए जो स्पिंडल गेयर होते हैं उसमें थर्टी टू टी टूथ होते हैं याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्टी टू टूथ होते हैं टीथ और स्टड गेर में जो होते हैं वो अट्ठारह आपके थ होंगे कितने होंगे बच्चों अट्ठारह तो फिर से सुन लीजिए स्पिंडल गियर स्पिंडल जो गियर होता है बच्चों उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ है थर्टी टू स्टड गियर की बात करता हूं स्टड स्टड गियर में जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 18 अट्ठारह होते हैं और जो सबसे एंड में स्लाइडिंग गियर या फिर आपका लीड स्क्रू गियर है से हम स्लाइडिंग गियर, स्लाइडिंग गियर, ठीक है स्लाइडिंग गियर जो है आपका जो है बच्चों उसमें 24 ये कॉम्बिनेशन कंपाउंड गियरिंग होती है तो 24 फोर और सिक्सटी सिक्स टीथ के आप जो है गियर यूज करते हैं नंबर ऑफ टीथ पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने आपको लिखा दिया टम्लेर गियर में कितने नंबर ऑफ टूथ होते टीथ होते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता ठीक है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता जर्नली जर्नली मैं आपको बता देता हूं कि टम्लर गेयर में भी टम्बलर गेयर में भी जर्नली थर्टी टू जो है टीथ कंसीडर कर लिए जाते ले लिया जाता इतने नंबर ऑफ टीथ का ले लिया जाता लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है हां ये बहुत ज्यादा फिक्स है ये बहुत ज्यादा फिक्स है ओके, okay. सो so, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है हाँ अभी करा रहे हैं बच्चों करा रहे हैं अभी आई थिंक अब ओके है अब बिल्कुल ओके है, है ना हाँ ठीक है चलिए तो फिर से बता देता हूं याद रखना जब लीड स्क्रू या फीड रॉड की डायरेक्शन को अगर आपको चेंज करना है यू नीड टू यूज टम्बलर गियर यह क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता सीधा इसी लाइन में पूछा जाता है दूसरी चीज के स्पिंडल गेयर में लगभग थर्टी टू नंबर ऑफ टीथ ले लेते हैं जबकि स्टड गेयर में अठारह और स्लाइडिंग गेयर में चौबीस और छियासठ नंबर ऑफ टीथ का कंबिनेशन यहां पर यूज करते हैं याद रखना स्लाइडिंग गेयर स्लाइडिंग गेयर मतलब लीड स्क्रू गेयर डोंट वरी ओके टम्बलर गेयर जो होगा बच्चों इसमें थर्टी टू नंबर ऑफ टीथ होंगे थर्टी टू नंबर ऑफ टीथ होंगे स्लाइडिंग गेयर जो है बच्चों यही आपका ड्राइवर गियर भी कहलाता है क्या कहलाता है बच्चों ड्राइवर गियर या फिर लीड स्क्रू गियर लीड स्क्रू गियर ये वो कंफ्यूजन है जो आपको होते हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा गियर क्या है उसमें नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं आई थिंक यहां तक ओके okay होगा है ना यहां तक होगा ओके ओके सर क्या गियर टीथ को ऑलवेज इवन नंबर में ही रखते हैं ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने की, सर क्या गियर टीथ को हमेशा इवन नंबर में ही रखते हैं देखो बेटा एक नंबर एक फॉर्मूला याद कीजिए टू अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा टू अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा यह आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ दे देगा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपको दे देगा किसी भी गियर में इंटरफेरेंस नाम की एक घटना होती है जो कि गियर को खराब करती है एक गियर का जो टॉप टिप होती है टिप वो दूसरी गियर की रूट में जाकर उसे घिसती है उसे खोदने की कोशिश करती है इसे कहते हैं इंटरफेरेंस अब इस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि कम से कम कितने नंबर ऑफ टीथ लिए जाए किसी गियर पर तो उसका फॉर्मूला होता है टू अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है लेकिन आप इस जब नोमेरिकल आए कभी इसे यूज कर सकते हैं अल्फा यहां पर प्रेशर एंगल होता है याद रखना प्रेशर एंगल मान लीजिए आ आ जाता है कि कि प्रेशर प्रेशर एंगल एंगल सॉरी मैं पूरा लिख देता हूं पहले गया आपका भैया आप 14 एंड हाफ डिग्री प्रेशर एंगल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए तो आप नोटिस करेंगे यहां अल्फा की वैल्यू 14 एंड हाफ रखिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है तो फोर्टीन एंड हाफ डिग्री के लिए लगभग लगभग 18 आते हैं 18 अब यहां पर पीयूष ने सवाल पूछा था कि सर ये क्या हमेशा इवन नंबर में होते हैं यस ऑड नंबर के जो गियर के टीथ होते हैं बच्चों देखो याद रखना इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं इवन नंबर में गियर टूथ क्यों लिए जाते हैं उसका रीजन यह है कि जब भी इंगेजमेंट होगा दो गियर का तो पेयर ऑफ टूथ कॉन्टेक्ट में आता है पेयर ऑफ टीथ जो है एक जोड़ा अब अगर आपने ऑड नंबर ले लिया तो एक टीथ ऐसा होगा जो कि कांटेक्ट में अकेला आएगा तो इससे क्या होता है बच्चा ट्रांस पावर ट्रांसमिशन लॉस होता है इसलिए हम इसे हमेशा इवन नंबर में में ही रखते हैं सर लेथ भी लीड ले स्क्रू होता है कि या सिर्फ कैप्शन लेथ ही होता है ओम प्रकाश पूछ रहे हैं कि क्या सर टेरेट लेथ में लीड ले स्क्रू होता है देखिए जहां पर आपका थ्रेड कटिंग होनी होगी आप सुन लीजिए मेरी बात जिस लेथ मशीन पे आप थ्रेड कटिंग कर सकते हैं वहां लीड स्क्रू होगा ये सबसे अच्छी पहचान है अब आप पूछेंगे सर ऐसी कौन सी लेथ है जहां होता है थ्रेड कटिंग मैं कहता हूं सारी तो सारी जो है बच्चों लेथ मशीन में लीड स्क्रू होता है हां फीड रॉड हर लेथ मशीन में नहीं होता अभी मैं दिखाऊंगा फीड रॉड क्या होता है लीड स्क्रू क्या होता है ओके लीड स्क्रू की मदद से हम थ्रेड कटिंग करते हैं बच्चों क्या करते हैं बच्चों थ्रेड कटिंग करते हैं ओके हा ठीक है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा स्पेशल फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं आप इसे ओके okay, कि मिनिमम नंबर ऑफ वैसे तो याद कर लीजिए फोर्टीन एंड हाफ डिग्री के लिए ट्वेंटी डिग्री के लिए एटीन डिग्री के लिए आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए वो याद हो जाएगा और यही आता है ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता क्योंकि प्रेशर एंगल हाँ डिफर कर सकता है लेकिन याद रखना स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन होता है गियर में ऑल पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड यही पाया जाता है सर वर्किंग भी बता दीजिए हाँ बेटा बता रहा हूं डोंट वरी अभी आगे बढ़ रहे हैं अब याद रखना टम्बलर में कितने नंबर ऑफ टीथ है जनरली कितने टम्बलर ऑफ यूज यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऑप्शन आएंगे टू थ्री फोर या फाइव तो आपका आंसर क्या होगा टू आपको दिखते हैं होते तीन है। तो थ्री थ्री नंबर ऑफ टम्बलर गेयर यूज होते हैं याद रखिएगा ठीक है और इन तीनों का जो साइज है जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा विद सेम नंबर ऑफ टीथ विद सेम नंबर ऑफ टीथ तो टम्बलर गेयर में 32 नंबर ऑफ टीथ हो सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं फिक्स है हो सकते हैं और इनकी जो संख्या है वो तीन होती है ये याद रखना ये बड़ा पूछा जाता है नंबर ऑफ टीथ कभी नहीं पूछेगा ले क्योंकि वो फिक्स नहीं है लेकिन कितने होते हैं ये बहुत पूछा जाता है तीन होते हैं बच्चों तीन होता अब याद रखना इट कनेक्ट स्पिंडल गियर ये स्पिंडल गियर को कनेक्ट करता है एक फिक्स्ड गियर के साथ अब आप कहेंगे सर यह फिक्स्ड गियर कौन सा है उस गियर का फायदा क्या है एक्चुअली फिक्स गियर जिसकी एक्सिस फिक्स होती है गियर तो रोटेट करेगा उसकी एक्सिस फिक्स होगी और इसी को हम कहते हैं बच्चों स्टड गियर स्टड गियर इसी को हम कहते हैं बच्चों स्टड गियर याद रखते और टम्बलर गियर को ही हम रिवर्स गियर यूनिट भी कहते हैं अगर इस नाम से आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है टम्बलर गियर क्योंकि आपका लीड स्क्रू या फीड रॉड की जो एक्सिस ऑफ रोटे सॉरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो चेंज करता है इसलिए इसे रिवर्स गियर यूनिट भी कहते हैं अब देखो यहां से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए एक तो तीन होते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा किसे कनेक्ट करता है टम्बलर गियर स्पिंडल गियर को कनेक्ट करता है फिक्स्ड गियर यानी कि स्टड गियर के साथ स्टड गियर के साथ कनेक्ट करता है और रिवर्स गियर यूनिट क्या होती है बच्चों वो भी टम्बलर गियर मैकेनिज्म को ही कहा जाता है समझ में आई बात ओके okay. नेक्स्ट अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे कहीं लिख लीजिए इसे याद कर लीजिए गियरिंग रेशो लेथ का जो गियरिंग रेशो है वो कैसे होता है ठीक है इसे कई तरीके से दिया जा सकता है पहला तरीका पहला तरीका पिच ऑफ स्क्रू टू बी कट अगर आप कोई स्क्रू कट कर रहे हैं तो उसकी पिच कितनी है स्क्रू मतलब थ्रेडेड पोर्शन ये थ्रेडेड पोर्शन जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों हम स्क्रू कहते हैं अब एक थ्रेड ये है और दूसरा थ्रेड ये है बच्चों अब अगर इनके किन्हीं दो सेम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें आप ये ये डिस्टेंस देखे कितनी है इसे हम पिच कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो इसे पिच दिख रहा है ना हा पिच कहते हैं दो करस्पॉन्डिंग कंजिकेटिव थ्रेड के दो सेम पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं तो जो थ्रेड आप कट कर रहे हैं उसकी पिच और जो लीड स्क्रू आपकी लेथ में लगा हुआ है उसकी पिच इसके रेशियो को गेरिंग रेशियो कहते हैं इसके रेशियो को हम गेरिंग रेशियो कहते हैं यानी कि जो थ्रेड आपको कट करनी है उसकी कुछ ना कुछ तो पिच होगी ना कि भाई इतनी पिच का इतनी डेंसिटी का ये सब चीजें होंगी तो पिच जो गिवन होगी वो डिवाइडेड बाय जो लीड स्क्रू है उसकी पिच कितनी है अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो गेयरिंग रेशो आ जाएगा दूसरा तरीका दूसरा तरीका लीड ऑफ स्क्रू टू बी कट जो कि स्क्रू आप कट कर रहे हैं उसकी लीड कितनी है अब सवाल उठता है लीड किसे कहते हैं देखिये कोई भी स्क्रू हो जब वो अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है फिर से सुनिए कोई भी स्क्रू है वो रोटेट करता है ना तो स्क्रू जब आपका मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ स्क्रू घूम के वापस यहां आया तो इसे कहते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ स्क्रू थ्रेड स्क्रू थ्रेड तो जब कोई स्क्रू अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा जैसे नट एंड बोल्ट जब नट को आप घुमाते हो ठीक है बोल्ट पर तो वो या तो आगे जाता है या पीछे जाता है तो एक रेवल्यूशन कंप्लीट करने पर नट कितना आगे गया लॉन्गिट्यूडनली किसके लॉन्गिट्यूड बोल्ट के ठीक है तो एक कंप्लीट रेवल्यूशन में स्क्रू कितना आगे बढ़ा इसे हम कहते हैं लीड क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लीड कहते हैं तो जो आप थ्रेड कट करने वाले हैं उसकी अपनी एक लीड होगी और, और बच्चों लीड स्क्रू की अपनी एक लीड होगी इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो गियरिंग रेशो आएगा तो गियरिंग रेशो आएगा और यहां पर सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है गियरिंग रेशो होता है कोई भी गियरिंग रेशो निकालना हो तो ड्राइवर पे कितने नंबर ऑफ टीथ है ड्रिवन पे कितने नंबर ऑफ टीथ है ये आप पता कर लीजिए तो हमारा जो ड्राइवर गियर है बच्चों हम उसे क्या कहते हैं मैंने बताया है, स्लाइडिंग गियर और स्लाइडिंग गियर को ड्राइवर ना मान के क्या करते हैं स्टड गियर के नंबर ऑफ टीथ लेते हैं उसकी वजह क्या है नंबर ऑफ थ मैं आपको समझाता हूं उसकी वजह क्या है 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 बच्चों स्लाइडिंग स्लाइडिंग जो जो होता है, जो होता है, वो स्लाइड करके इंगेज और बच्चोंगेज हो सकता है लेकिन स्टड गेयर हमेशा फिक्स रहता है और ये कनेक्ट करता है किसे स्क्रू थ्रेड को लीड स्क्रू को तो स्टड गेयर पर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं बच्चों ये याद रखिएगा स्टड गियर पर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं अगर आपको यह पता है डिवाइडेड बाई लीड स्क्रू पर कितने नंबर ऑफ टीथ है है यानी कि लीड स्क्रू का जो है, उसके कितने नंबर ऑफ टीथ तो ड्राइवर जो है और ड्रिवन जो है इनको समझिए आप इनको समझिए आप क्या हो रहा है यहां पर यहां पर समझिए बेटा देखिए हमारी लेथ को चलाने के लिए जो ड्राइवर गियर है वो एक्चुअली लीड स्क्रू है लेकिन लीड स्क्रू को भी कहीं ना कहीं से पावर तो मिल ही रही होगी वो पावर मिल रही है बच्चों स्टड गियर से स्टड गियर से बहुत इंपॉर्टेंट है तो नंबर ऑफ टीथ ऑन स्टड गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन लीड स्क्रू गियर लीड स्क्रू गियर ये बड़ा कंफ्यूज करता है याद रखना फिर से सुनिए हमारी लेथ को जब हम रेस्पेक्ट लेथ के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारा ड्राइवर गियर लीड स्क्रू नजर आता है लेकिन लीड स्क्रू गियर को चलाने के लिए भी तो एक गियर चाहिए उसे कौन चला रहा होगा बच्चों गियर, और स्टड गियर सीधा किससे जुड़ा रहता है बच्चों मोटर से मोटर मैकेनिज्म से, समझ में आई बात ठीक है याद रखना जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं स्टड गियर पे वो कम होते हैं जबकि नंबर ऑफ टीथ ऑन लीड स्क्रू गियर पे ज्यादा होते हैं ज्यादा होते हैं ऐसे याद आए इस पर अठारह होते हैं इस पर बत्तीस होते हैं आप समझे तो वेलोसिटी रेशियो कितना वन इज टू, टू का होगा ना बस इतना आपको याद रखना ठीक <coughs> है ठीक है ठीक है बच्चों ठीक है हाँ लीड मतलब ही आएगा आएगा जाएगा मैं समझा नहीं बेटा दीपक आपका क्वेश्चन हाँ ठीक है मैं समझा नहीं आप फिर भी देख लीजिए ओके ठीक है या फिर आप देखिए सीधी सी बात है सीधी सी बात है ये सबसे ज्यादा यूज होता है वैसे तो ये सारे अब देखो कंफ्यूजन कहां होगा अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे अब आप कहेंगे यार हमने तो ये पढ़ा है इसलिए मैंने तीन तो ये और चौथा ये बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्या स्पीड ऑफ लीड स्क्रू लीड स्क्रू की स्पीड कितनी है अगर आपको ये पता है तो डिवाइड कर दीजिए स्पीड ऑफ वर्क से यानी कि जो चक आपका घूम रहा है तो लीड स्क्रू की स्पीड कितनी है डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ वर्क ये जब आप निकालेंगे तो गियर रेशियो आ जाएगा गियर रेशो अब गेशो का यूज कहां होता है याद रखना थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में यूज होता है थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में यूज होता है समझ में आई बात समझ में आया बच्चों ठीक है हाँ ओके ओके आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हाँ ठीक है तो ये हो गया बच्चों आपका लेथ का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम कहां तक पहुंच गए बच्चों अभी हमने सिर्फ हेड स्टॉक और यहां पर प्रेजेंट गियर जो इनके बारे में जाना अब इतनी जानकारी होनी जरूरी है तब आप सही क्वेश्चन कर पाते हैं याद रखना ठीक है अब फीडबॉक्स में किसी गियर को इंगेज और डिसंगेज करना है तो बच्चों यहां पर सॉरी अगर यहां पर किसी गियर को इंगेज और डिसंगेज करना है तो क्या होगा बच्चों यहां पर ए इस वाले में बच्चो इस वाले में यहां तो हम इन लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं और इस हेड स्टॉक के अंदर जो गियर है उनमें से किसको इंगेज और डिस इंगेज करता है तब हम इन लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये गियर बॉक्स कंट्रोल कंट्रोल्स कहलाते हैं बच्चों याद रखना बस और कुछ समझने की जरूरत नहीं ज्यादा टिपिकल होने का जरूरत नहीं है ओके अब यहां पर देखिए बच्चों एक तो लीड है आप ये देख रहे हैं ना थ्रेडिट शाफ्ट इसे कहते हैं थ्रेडिट शाफ्ट याद रखना थ्रेडिट शाफ्ट जो होता है उसे लीड स्क्रू कहते हैं लीड स्क्रू रॉड और जबकि उसके नीचे एक प्लेन शाफ्ट होता है जिसे हम फीड रॉट कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों? फीड फीडरॉट कहते हैं अब फीड रॉट का क्या काम है लीड स्क्रू का क्या काम है आइए देखते हैं फीड रॉड जो है वो ट्रांसमिट करती है पावर फ्रॉम द हेड स्टॉक टू द कैरियज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वैसे सुनिए फीड रॉड ट्रांसमिट करती है पावर को हेड स्टॉक से कैरिएज की तरफ कैरिएज की तरफ हेड स्टॉक से हेड स्टॉक से कैरिएज याद रखना तो आपको क्या याद रखना फीड रॉड पावर ट्रांसमिट करेगी उसके आगे लिखना हेड स्टॉक टू कैरिएज हेड स्टॉक टू ठीक है हाँ और कब जब फीडिंग ऑपरेशन होगा जब फीडिंग ऑपरेशन होगा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीडिंग ऑपरेशन के दौरान फीड रॉड पावर ट्रांसमिट करती है हेड स्टॉक से कैरिएज पर ठीक है क्यों यूज होती है ये? ताकि कैरियज का जो मूवमेंट है वो बहुत प्रिसाइज हो एक्यूरेट हो बहुत ही प्रिसाइज हो और याद रखना है बच्चों बच्चों ये, ये, ये पूरी मकैनिज्म को हम कैरियज कहते हैं तो कैरिएज जो होता है थ्रू जो है फीड रॉड के थ्रू इस एक्सिस के यहां पर आप नोटिस कराओगे ये वाला एक्सिस है ना इस एक्सिस के हा ये वाला जो एक्सिस है बच्चों जिसे हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं इस एक्सिस के ठीक या अलोंग दिस एक्सिस मूवमेंट होती है की यानी कि कैरियज या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा अब इसके प्रिज इसके प्रिसाइज मोशन प्रोवाइड कराने के लिए से हम क्या यूज करते हैं फील्ड रॉड यूज करते हैं अब बात करते हैं लीड स्क्रू अब लीड स्क्रू का भी सेम काम है परेशान मत होना लीड स्क्रू का भी सेम काम है बच्चों नहीं लीड स्क्रू हां बिल्कुल कर सकते हैं दीपक बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है अभी बताऊंगा बेटा हाँ ओम प्रकाश अभी बताऊंगा डोंट वरी लीड स्क्रू जो होती है बच्चों लीड स्क्रू वो पावर ट्रांसमिट करती है सेम हेड स्टॉक से कैरियज कैरिएज लेकिन स्क्रू थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यही डिफरेंस है बस यही डिफरेंस है क्या बताया मैंने फीड रॉड फीडिंग ऑपरेशन में कैरियज को मूव कराता है पावर ट्रांसमिट करता है रॉड किसमें बच्चों फीडिंग ऑपरेशन जब फीड देनी होती है लेकिन थ्रेड कटिंग की जो फीड है वो थोड़ी अलग होती है थ्रेड कटिंग की फीड ऑटोमेटिक होती है उस केस में आप लीड स्क्रू का यूज करते हैं यही एक डिफरेंस है दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है अब कुछ लेथ में फीड रॉड होता ही नहीं है तो वहां दोनों काम लीड स्क्रू करेगा तो फीड रॉड एब्सेंट हो सकता है लीड स्क्रू एबसेंट <coughs> सॉरी नहीं हो सकता लीड स्क्रू आपका एबसेंट नहीं <coughs> हो सकता ओके <coughs> okay? हां तो सारी लेथ मशीन में फीड रॉड हो ऐसा जरूरी नहीं है और जिसमें फीड रॉड नहीं होगा मां लीड स्क्रू तो रहना ही रहना है तो वहां हर हालत में दोनों काम फीडिंग के दौरान भी पावर ट्रांसमिशन और थ्रेड कटिंग के दौरान भी पावर ट्रांसमिशन कौन करेगा बच्चों लीड स्क्रू करेगा लीड स्क्रू करेगा ठीक है अब ये जो लीड स्क्रू होता है इसमें पाई जाती है एक्मे थ्रेड कौन सी थ्रेड पाई जाती है बच्चों एक्मे थ्रेड ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है कि कौन सी थ्रेड पाई जाती है तो आप बताएंगे एक्मे थ्रेड तो ये जो लीड स्क्रू होता है इसमें एक्मे थ्रेड पाई जाती है और एक्मे थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होता है ट्वेंटी नाइन डिग्री ट्वेंटी नाइन डिग्री इंक्लूडेड एंगल होता है एक्मे थ्रेड का यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया कॉमनली पूछा गया और इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे फीड रॉड आगे निकल जाता है मतलब स्लाइड करता है आगे निकल जाता है मतलब बेटा सतीश में आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझे डियर आगे निकल जाता है का मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं सॉरी ओके आगे नहीं निकलता बेटा फीड रॉड तो फिक्स होता है उसके ऊपर स्लाइड करता है उसके ऊपर स्लाइड करता है कैरियज रॉड तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह फिक्स रहता है अपनी दोनों जगह पर

ओके okay. अब एक रैक होता है ध्यान से देखना ये यहां पर लेथ में यहां पर एक रैक होता है ये रैक और ये रैक कुछ नहीं है बच्चों ये ये वही वाला है रैक एंड पिनियन रैक एंड पिनियन अब इसका क्या काम है जब लीड स्क्रू भी है फीड रॉड भी है सब कुछ है देखिए यहां पर सिर्फ लीड स्क्रू है या फीड रॉड नहीं है तो लीड स्क्रू अकेली हो सकती है मैं आपको बता चुका अब यहां पर ध्यान से देखिएगा एक रैक है और ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहां पर ये 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 छोटा वाला जो गियर है इसे हम पिनियन कहते हैं तो रैक एंड एंड पिनियन मैकेनिज्म होती है तो रैक पिनियन मैकेनिज्म क्या है बच्चों रैक आपको पता है बिल्कुल फ्लैट होता है इसमें तो कोई शक नहीं है रैक बिल्कुल फ्लैट होता है ठीक है तो उसमें एक पिनियन की मदद से क्या होता है बच्चों ये मोशन प्रोवाइड कराता है कैरियज को इट प्रोवाइड मोशन टू द कैरियज फॉर टर्निंग ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन कौन सा होता है वो ऑपरेशन जिसमें किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर को कम करते हैं मटेरियल रिमूव करके किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर को कम करते हैं समझ में आई बात फिर से सुनिए रेकनपीनियन भी रेकनपीनियन भी कैरियज को मोशन देता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ टर्निंग ऑपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ टर्निंग ऑपरेशन के लिए फिटिंग ऑपरेशन के लिए फीड रॉड थ्रेड कटिंग के लिए लीड स्क्रू टर्निंग ऑपरेशन के लिए रेक एंड पीनियन अब बताइए मुझे यह बात समझ में आई या नहीं तीन अलग अलग ऑपरेशन तीन अलग अलग मेथड ऑफ मोशन तीन अलग अलग मोड ऑफ मोशन फीड रॉड का इस्तेमाल कब करना है लेड स्क्रू का इस्तेमाल कब होता है और इस रेक एंड पीनियन का इस्तेमाल कब? ये दिखते तो हैं हमेशा कभी सोचने की हम जरूरत नहीं महसूस करते कि क्यों हम यूज करते हैं समझ में आई प्यारे बच्चों ये बात तो याद रखना ना बच्चों जब आप फीड रॉड के थ्रू कैरियज को मूव कराते हैं तो फीडिंग ऑपरेशन है जब आप फीडिंग ऑपरेशन कौन सा होता है आप लोगों का होमवर्क है ये एक्चुअली ये फीडिंग ऑपरेशन है क्या क्योंकि फीड तो हर ऑपरेशन में दी जाती है ये क्या कह रहा हूं मैं बार-बार फीडिंग ऑपरेशन क्या है ये फीडिंग ऑपरेशन फीड तो हर ऑपरेशन में दी जाएगी ना तो कौन सा ऑपरेशन है ये आपका होमवर्क है मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पता करते हैं या नहीं इस बात को तो फीडिंग ऑपरेशन में फीड रॉड ठीक है थ्रेड कटिंग में थ्रेडिंग में थ्रेडिंग ऑपरेशन में आपका लीड स्क्रू और अभी पता चला कि टर्निंग ऑपरेशन में रेकियन रेकियन पिनियन रेक ठीक है बच्चों फेसिंग के लिए आप पीयूष कह रहे फेसिंग के लिए पीयूष कह रहे फेसिंग के लिए ठीक है चलो फेसिंग के लिए बस फेसिंग में यह बता देना बेटा मुझे कि मूवमेंट जो होता है कैरियज का ऐसे ऐसे होता है या ऐसे ऐसे होता है बस इतना समझ लेना ठीक है ओके okay. कोई नहीं विशाल कोई नहीं अब बाद में देख लेना आप ठीक है ओके okay बच्चों तो चलिए आज पहली क्लास हुई है लेथ की ठीक है अभी मैं एक क्लास और लूंगा लेथ की उसमें हम कुछ और पार्ट डिस्कस करेंगे आई होप बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे ठीक है तो इसी तरह से बने रही है हमारे साथ ठीक है डेली 10 ए एम क्लास होती रहेगी ताकि आप लोगों को पूरा कंटेंट मिलता रहे ऐसा नहीं है कि मेरी ये क्लास सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको सिर्फ जो है पढ़ाऊं मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि इसी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस जितने भी अब अपकमिंग एग्जाम है चाहे वो आर आरबी जेई है चाहे वो आपका डब्ल्यू वेस्ट बंगाल का पीसीएस पीएससी का जेई का एग्जाम है या फिर चाहे वो जेके एस एस बी का एग्जाम है उनके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है वहां पर भी प्रोडक्शन की क्लास अब डलने स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द मंडे से और आई होप आप लोगों को फिर मजा आएगा जब यहां मजा आ रहा है तो वहां पे तो और मजा आएगा ठीक है तो बने रहिए उन हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए बेचा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज जो बच्चे हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा सा यार प्रमोट करो ठीक है चैनल को थोड़ा सा यार स्प्रेड कराओ इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट